हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फाइव स्टूडियो में। दोस्तों, मेरे पास आज कार्बन K29 मॉडल का एक फ़ोन है। इस फ़ोन में नो सर्विस का प्रॉब्लम है दोस्तों। इस प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। सैमसंग कीपैड वाला फ़ोन या तो फिर लावा, हाईटेच, जो भी हो, या कीपैड वाला फोनों में ज़्यादातर एक ही जगह से प्रॉब्लम आते हैं। ये देखिए, दोनों सिम ही नो सर्विस बता रहा है। देखिए, अब अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये दोनों सिम को मैं रिमूव कर लिया, उसके बाद मदरबोर्ड को भी रिमूव कर लेता हूँ, फिर चेक करके बताता हूँ आपको दोस्तों। ये वीडियो लॉकडाउन का पहले का है। लॉकडाउन होने के कारण सब बंद है, दुकान कब तक खुलेगा ये पता नहीं। तो मैं ये लॉकडाउन की पहले का जो वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ था, मैं उसी को ही अपलोड कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो वीडियो में कमेंट किया है, वो वीडियो बनाऊँगा लॉकडाउन खोलने के बाद दोस्तों। अभी तो दुकान बंद है, मैं दुकान खोल भी नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों का रिक्वेस्ट पूरा भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस पत्ते को मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले। दोस्तों, ये कीपैड वाला फ़ोनों में ज़्यादातर एक ही जगह से प्रॉब्लम आते हैं। और कहाँ से आते हैं आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आपको बोर्ड को रिमूव करने के बाद आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, अगर वाटर डैमेज है तो उसको क्लीन कीजिए और थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, फिर भी ये प्रॉब्लम चला जाता है दोस्तों। मैं इसको भी, पत्ते को भी रिमूव कर लिए ताकि हीट लगने के कारण ख़राब ना हो। मैं इसको भी बांध लेता हूँ कि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, मल्टीमीटर को बजट मोड में रखें। ये एंटीना लाइन दोनों तरफ से ही कंटिन्यू के साथ, डीप के साथ कंटिन्यू आएंगे दोस्तों। मैं सबसे पहले इस पैनल को भी रिमूव कर लेता हूँ ताकि आसान हो मापने में, और प्रॉब्लम कहाँ पे है ये दिखने में कोई। मैंने इसको भी रिमूव कर लिया दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये नेटवर्क ऐसी भी अच्छा है देखने में, पूरा क्लीन है। तो कहाँ से कहाँ आपको रीडिंग लेना है आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, ये दोनों कम पॉइंट में आपको रीडिंग लेना है, दोनों डीप के साथ कंटिन्यू आएंगे और उसके बाद इस कंपोनेंट से इस पॉइंट तक रीडिंग आना चाहिए डीप के साथ। अगर नहीं आया दोस्तों तो कुछ इस तरह से अब जंपरिंग कर दीजिए, फिर भी ये प्रॉब्लम चला जाएगी। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर है और बैटरी पॉजिटिव लाइन है, ये दोनों में डीप के साथ कंटिन्यू आना है। अगर नहीं आया दोस्तों तो कुछ इस तरह से जंपरिंग कर दीजिए, फिर भी ये प्रॉब्लम चला जाएगा। और उसके बाद अगर ये दोनों लाइन सही है तो आप सीधा क्रिस्टल को रिफ्लेश कीजिए।
इसको चेंज कर दीजिए, फिर भी ये प्रॉब्लम चला जाएगा। तो दोस्तों मेरा सारे लाइन सही है, तो मैं सीधा क्रिस्टल को ही चेंज करूँगा और उसके बाद ही चेक करता हूँ। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लीजिएगा और हीट को 350 डिग्री में रखे हैं और ईआर को 100 पे रख के इसको रिमूव कर रहा हूँ। दोस्तों दोस्तों इसको रिमूव करने के वक्त ज़्यादा खींचे मत, नहीं तो इसका पॉइंट भी उठ सकता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लिए हैं। दोस्तों ये मेरे पास नया अवेलेबल नहीं है, मैं इसलिए दूसरे मदरबोर्ड से उठा के रखा था, मैं उसी को लगाऊंगा दोस्तों। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, ये जो क्रिस्टल रिमूव करने से पहले आपको अच्छी तरह से देख लेना है ये नंबरिंग कहाँ से किधर से है, अगर उल्टा लग गया तो ये काम नहीं करेंगे दोस्तों। इस क्रिस्टल की दो पॉइंट पॉजिटिव होते हैं और दो पॉइंट नेगेटिव होते हैं। मैं इसको क्रिस्टल को अभी बैठाता हूँ। इसको थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए दोस्तों यह बहुत आसान तरीके से बैठ चुका है। मैं इसको अब ठंडा करूँगा थोड़ा, उसके बाद ही चेक करूँगा। ये अच्छी तरह से बैठ चुका है, ये पहले का क्रिस्टल था। अभी थोड़ा गर्म है। मैं इसको कैबिनेट में फिट करता हूँ और उसके बाद ही इसको चेक करता हूँ। दोस्तों आप किसी भी कीपैड वाले फ़ोन में, जिस फ़ोन में क्रिस्टल है, पहले का जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं दोस्त आते थे दोस्तों, उन सब फ़ोनों में भी ये क्रिस्टल रहता है। और एक बात दोस्तों, आईसी अगर ख़राब होते हैं तो इमरजेंसी कॉल आते हैं ज़्यादातर, नो सर्विस का प्रॉब्लम ये क्रिस्टल से ही आते हैं। मैं इसको एक सिम लगा दिया, दूसरी सिम बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें एयरटेल लिखा हुआ आ गया एक ही बार में, आप देख सकते हैं। देखिए इसका नेटवर्क भी फुल आ चुका है, मैं एक कॉल लगा के दिखता हूँ। देखिए एक कॉलिंग भी हो रहा है, देखिए ये फ़ोन लग चुका है दोस्तों। दोस्तों पहले का एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये क्रिस्टल रहता था, अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है मार्केट में इसमें WTRIC रहते हैं उसके जगह पे। मैं इसको इसके अंदर दो सिम लगाया है, दोनों को ही चेक कर लेता हूँ फिर। दोस्तों नो सर्विस का प्रॉब्लम अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में है, इन ये फ़ोनों में WTRIC में ये प्रॉब्लम आते हैं, ये प्रॉब्लम सेट गिर जाने के कारण भी आते हैं दोस्तों, या तो ज़्यादा टच अप लगने के कारण भी आते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।